वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे? हम थे स्टमक में. ओके, बिकॉज इन प्रीवियस सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस दैट हाउ द इंजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड व्हाट हैपेंस इन स्टमक विद द फूड मटेरियल विच वी हैव टेकन इनसाइड अवर बॉडी. एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, दैट इज डाइजेशन. ठीक है, अभी द फूड विच इज कन्वर्टेड इन टू अ सेमी सॉलिड मटेरियल इज पास इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ स्पिंटर, अ मस्कुलर स्पिंटर. एक स्पिंटर मतलब ऐसा पिंच कॉट लाइक ओपनिंग जैसे होता है विच अलाउ समथिंग टू एंटर इन साइड दैट, अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज द स्पिंटर. कहां पे लिखू? यहां पे लिखू, इट इज स्पिंटर. ऐसा स्पिंटर एनल स्पिंटर भी होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर. आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो, एनल स्पिंटर. ठीक है, राइट नाउ कम हियर. सो पासिंग थ्रू द स्टमक इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द स्पिंटर. अभी हाईवे से जा रहा है फूड स्टमक से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में, बीच में दो बाईपास आते हैं. कौन से? एक तो आता है पैंक्रियास और दूसरा आता है लीवर से. नाउ दीज पैंक्रियास आर लाइंग जस्ट बिलो द स्टमक पैरेलल टू इट, राइट? ओके, पैंक्रियास आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक पैरेलल टू इट. पैंक्रियास आर वेरी इंपॉर्टेंट विच इज प्रोड्यूसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड एज अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. उनका फंक्शन आई विल टेल यू लेटर. एंड टू दिस अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो जब पैंक्रियाटिक जूस जो है, जो पैंक्रिया, इन तीनों को ऑल टुगेदर पैंक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं, व्हेन इट इज कमिंग एंड एंटरिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब देखो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे जा रहा है, बीच में से ये बाईपास है जो पैंक्रियास को जा रहा है, और यहां से छोटा बाईपास आके मिल रहा है लीवर से पैंक्रियास को, मतलब गॉल ब्लैडर अलोंग विद द मींस बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड हमारा बोलस, ये तीन चीजें मिलके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है. समझ में आया? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, दिस इज लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी विच यू नो वेरी वेल, विच सीक्रेट द बाइल जूस. बाइल जूस इज येलोइश ग्रेनिश इन कलर विच इज सीक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. अ स्मॉल ग्लोबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज सीक्रेटिंग अ बाइल जूस विच इज अल्कलाइन इन नेचर. कैसा है? अल्कलाइन. ओके, बिकॉज क्यू? क्योंकि जब ये जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, एट दैट टाइम इट हैज बिकम एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, अभी वेन इट कम्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट द फैट्स, इट इज नेसेसरी टू मेक इट न्यूट्रल. ओके, सो फॉर दिस न्यूट्रिफिकेशन और टू मेक इट न्यूट्रल, दैट बोलस या जो वो चर्न फूड है कम्प्लीटली उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस बाइल जूस एक्ट ऑन दैट. सो वेन फूड एंटर्स फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एट द टाइम इट इज एंटरिंग कैरिंग विथ अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज और बाइल जूस, उसके साथ मिक्स होके ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है. समझ में आया? अभी the pancreatic juices, the first one pancreatic amylase, इसे क्या बोलते हैं? pancreatic amylase. this pancreatic amylase is very important for the further digestion of glucose. okay, glucose into the simpler form of the sugar. this trypsin is help in the digestion of the protein molecules, and the lipase is important for the digestion of fats. ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स. अभी देखो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया माउथ में ही, बचा ग्लूकोज. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू द सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर. प्रोटीन इज कन्वर्टेड इन टू द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन अमाइड्स, एंड फैट्स आर
converted into the fatty acids and glycerol by the action of these lipase that is secreted by the pancreas. Understand? So, along with these three juices and the bile juice, which enter into the small intestine. अभी ये जो small intestine है ना, ये कम से कम 6.5 मीटर का रहता है. कितना रहता है? 6.5. It is the average length. मैंने elementary canal की भी length बताई, 9 मीटर average, approx. This is also approx. So when the food enter into the small intestine, it stays there for several hours. Small intestine इतना लंबा है, फिर भी उसको small क्यों बोलते हैं? Small intestine तो small ही है, 6.9 मीटर का elementary canal है, उसमें से 6.5 मीटर सिर्फ small intestine है, फिर भी उसको small intestine क्यों कहते हैं? Small intestine is called as small intestine because its lumen या फिर उसका जो diameter है ना, cavity है ना, वो बहुत छोटी है as compared to large intestine. इसीलिए उसको बोलते हैं small intestine and it is very highly coiled structure. एकदम ऐसे densely coiled structure होता है वो, जो हमारी stomach और large intestine के in between fit हुआ होता है हमारी body में. It's very very densely coiled, highly coiled structure. अभी जो small intestine होता है ना, वो सभी animals में same length का नहीं होता है. हमारा जो फूड है, जिस टाइप का फूड हम खाते हैं, उस पे डिपेंड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ. ठीक है? कैसे? अभी जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, हर्बीवोरस एनिमल्स पता है ना आपको क्या होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट मोस्टली ग्रास खाते हैं. व्हाट इज देयर इन द ग्रास? विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इट कंटेन सेल्यूलोज. क्या होता है ग्रास में, प्लांट में? Cellulose, and that cellulose is taking much more time to get digest and convert into the simpler form. That's why the length of small alimentary canal is more in the herbivorous animals. ठीक है? दूसरी बात, flesh eating animals, मतलब सारे carnivorous animals, वो जो flesh खाते हैं, meat खाते हैं, that takes less time to digest as compared to herbivores. समझ में आया? Flesh जो है, meat जो है, that is taking less time to get digest. That's why the length of small intestine is less in the carnivorous animal than that of the herbivores and omnivores. हम आते हैं बीच में, मतलब हम plant parts भी खाते हैं और हम flesh भी खाते हैं, तो हमारा average moderate size का है. Understand? Now small intestine, it is the center of actual digestion. समझ में आया? It is the center of actual digestion. इसका मतलब ये है, the small intestine also contain the digestive glands in its inner lining, which also secretes the digestive enzymes, and that digestive enzymes act throughout its part, so that the part of this is getting digested and convert into more and more simpler form. Understand? And the complex food molecule gets converted into the smaller absorbable form. Maximum जो digestion है ना food का, वो कहाँ पे होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. समझ में आया? डाइजेशन इज ओवर. नाउ थर्ड, एब्सॉर्प्शन. अभी एब्सॉर्प्शन क्या है? अभी इस डाइजेशन में जो न्यूट्रिएंट्स है वो फ्री हो गए हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको एब्सॉर्ब करना है. कहाँ? ब्लड में. कैसे? देखते अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके इनर लाइन में, ये छोटी सी स्पेस हम यूज कर रहे हैं बार बार. ओके, अपना अपेंडिक्स यहां पे. अभी देखो, इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. देयर आर मेनी
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड एज विलाय. क्या कहते हैं इसे? विलाय. ये मैंने कल भी बताया था वर्ड आपको. ओके, विलाय. एंड दीज विलाय आर कनेक्टेड टू थाउजेंड्स ऑफ न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज. These are connected to the blood capillaries. I have shown it only from one side. It is present from all means dono side se, intestine ke dono side se hota hai. And that are connected to the many blood capillaries. क्यों? क्योंकि जब food, digested food is passing through these small intestine, that time these villi act as the absorbing agent of the nutrients. Yes, absorption process. Number of villi are present which are increasing the area, surface area of absorption inside the small intestine. And as it is connected to many blood capillaries, thousands of blood capillaries are there. But blood capillaries, ye jo nutrients hai, that all are, dekho abhi minerals, nutrients, vitamins, प्रोटीन्स वो सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुए होते हैं. सो दे आर वॉटर सोल्यूबल इन नेचर. ऑफकोर्स वो वॉटर सोल्यूबल बन जाते हैं एंड थ्रू दैट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस दैट गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू द विलाय एंड पास ऑन टू द ब्लड कैपिलरीज. समझ में आया? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड एब्जॉर्प्शन? नाउ we came up to the small intestine and we have completed up to the process of absorption. देखो first session में हमने ingestion start किया था, हम stomach तक पहुंच गए थे because we have started digestion also. Half of the digestion we have completed in this session and we have completed absorption also. The next step of our digestive system is assimilation. And how does this assimilation is carried out in our digestive system, that I'll explain in the next session. Thank you.